बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट वन। बुक शाह जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर टू कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर टू का क्वेश्चन नंबर 2.32 है, फाइंड द नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 7:12 सो दैट द ग्रेटर एक्सीड द लेस बाय 275। यानी कि इसमें हमने दो रेशियो फाइंड करने हैं और वो बराबर हो 7:12 के, ठीक है, और ऐसी वैल्यू हो जो हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करें तो हमारे पास कितना आए, 275 आए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो गिवन है जो कि है 7:12, ठीक है। तो हमने कर दिया गिवन रेशियो 7:12, अभी बताया नहीं है किसके रेशियो है या वगैरह वगैरह, तो हम कर देंगे। अब उन्होंने कहा है फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स, तो हम कर देंगे वो दो नंबर्स को कोई भी, ठीक है। तो हम पहले एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर ए बी करते हैं या तो एक्स वाई करते हैं, ठीक है, थीके? तो एक्स वाई कर देंगे। तो लिखेंगे कंसिडर टू नंबर्स बी एक्स इज टू वाई, ठीक है। हमने वो क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया कि वो जो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं वो एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब हमारे पास रेशियो कैसे हो गए, एक्स इज टू वाई इक्वल है किसके, 7:12 के, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा था फाइंड द नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स इन द रेशियो, यानी कि वो जो नंबर है वो हमारे रेशियो में है 7:12 के, ठीक है। तो हमने इसको कंसिडर कर दिया कि वो इसके बराबर है, ठीक है। अब हमने ये जो x इज़ टू वाई है इसको हम x अपॉन वाई भी कर सकते हैं, 7:12 को हम 7/12 भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर से पहले x की वैल्यू निकालनी है, पहले सिर्फ x की निकालनी है, तो x इक्वल टू 7/12, ठीक है। ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था x के साथ, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब यहाँ पे ना एक अमाउंट गिवन है 275, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक नंबर जो बड़ा नंबर होगा उसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 275, ठीक है। तो वो जो बड़ा नंबर है उसको कर देते हैं हम x, ठीक है, x ग्रेटर है किसके, y के, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है के बड़ा नंबर हो, ठीक है, बड़ा नंबर। तो हमारे पास ये जो x इज़ टू वाई हमने नंबर्स कंसिडर किए थे, x इज़ टू वाई है, ठीक है। तो ये कर देंगे x इज़ टू वाई, ठीक है, यानी कि वो x एंड y वो नंबर्स है जो बराबर है किसके, 275 के। कह रहे हैं ये 275 सब आए जब हमारे पास बड़ा नंबर छोटे नंबर से माइनस होकर तो ये वैल्यू आए, ठीक है, माइनस होकर ये वैल्यू आए। तो यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू हमने निकाली है 7/12, 7/12 तो x की वैल्यू आ रही है, यानी कि x क्या हुआ, छोटी वैल्यू हो गई, x क्या हो गया, छोटी वैल्यू हो गई, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। x क्या हो गया, छोटी वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू क्या हुई, फिर y हुई, y क्या हुई, बड़ी वैल्यू हुई। तो y को हम कैसे कर दें, और बड़ी वैल्यू क्या कर दें, ग्रेटर देन, y ग्रेटर देन है किसके, x के, इक्वल टू, फिर ऐसे करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, 275। यानी कि y को हम माइनस करेंगे x की वैल्यू से भी, जो अभी तो x की वैल्यू निकली, y की वैल्यू निकालेंगे तो y को माइनस करेंगे x से, तो हमारे पास आएगी 275 आएगी, ठीक है। तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है y माइनस x इक्वल टू 275, ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह ऐसे y ऐसे ही रहेगा, और माइनस x हमारे पास जो वैल्यू आई थी वह है 7/12 y, 7/12 y इक्वल टू 275, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 7/12 मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है, 12 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, तो ये माइनस नहीं हो सकते। अभी हमने इस वाली वैल्यू का क्या लेना है, LCM लेना है, LCM वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी लिया हुआ है, तो अब हम इस वीडियो में फिर लेंगे LCM। तो हम LCM लेंगे किसका, 7/12, और हमारे इस साइड क्या था, y था, माइनस y था, ठीक है ना। तो y के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, 1, और साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। तो ये हम LCM लेते हैं,
और यहाँ वन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, वन ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व को वन से करेंगे तो भी ये ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व, ठीक है। इसी तरह माइनस का साइन है माइनस वन सेवन ज़ा सेवन, यानी कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब ट्वेल्व माइनस सेवन इक्वल टू फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव साइन ऑफ बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू कौन सी है, ट्वेल्व है या सेवन है, ट्वेल्व है तो ट्वेल्व का साइन प्लस है, प्लस लगा दिया। इसी तरह से यहाँ नीचे क्या रह गया, ट्वेल्व, ठीक है। तो आ गई हमारे पास वैल्यू फाइव अपॉन ट्वेल्व, तो हमारे पास वैल्यू आ गई फाइव अपॉन ट्वेल्व, तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं फाइव अपॉन ट्वेल्व, और ये वाई एज इट इज़ आ गया, ठीक है, वाई एज इट इज़ आ गया, और अब ये इक्वल टू 275 भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये 5 अपॉन 12 वाई इक्वल टू 275। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि 5y इसके साथ यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है, हम अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 12, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम 275 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 3300, तो ये 5y इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आया था 3300, ठीक है। और यहाँ y 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो y को ऐसे ही रहने देंगे, 3300 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे 5, यहाँ लेके तो डिवाइड हो गया। अब डिवाइड करेंगे 3300 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 660, मैं यहाँ लिख देती हूँ जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, y इक्वल टू 660, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 660। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू निकली थी, x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी 5 अपॉन 12 y, ठीक है, नहीं x की वैल्यू थी 7 अपॉन 12 y, 7 अपॉन 12 y थी x की वैल्यू ये वाली, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू हमें ना सिर्फ सिंपल चाहिए, जैसे हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं है, तो जैसे y की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आई है, किसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई जैसे यहाँ पे x नहीं है, y नहीं है, तो इसी तरह हमने x की वैल्यू भी निकालनी है। जैसे x की वैल्यू हमारे पास निकली थी y साथ था, 7 अपॉन 12 y था, तो हमें y साथ नहीं लाना, ठीक है। तो ये वाली जो हमने निकाली थी ना x की वैल्यू वो थी 7 अपॉन 12 और ये y, ठीक है, y साथ था x की वैल्यू में, तो हम इसको x की वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ y की वैल्यू थी वो ये निकली है, क्वेश्चन के हिसाब से y की वैल्यू ने ये निकली है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, जो हमने x की वैल्यू बनाई थी इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे ये 7 है, इसके साथ ये y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई y की वैल्यू हो गई 660, इसको डिवाइड किया हो रहा है 12 से, ठीक है। अब हमने इसको 12 से डिवाइड करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 660 से, तो ये है 4620, 4620 आई है, 4620, और ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू करना है, x इक्वल टू, तो ये x इक्वल टू 4620 डिवाइडेड बाय 12, अब इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, 385 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 385, तो हमारे पास x की वैल्यू निकली है 385 एंड y की वैल्यू निकली है 660। इसके साथ देखिए कोई अल्फ़ाबेट या कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल कांस्टेंट निकली है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई क्वेश्चन के हिसाब से, x एंड y की हमने वैल्यू निकाल दी, तो ये हमारे यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।